अमृतसर विच बीते दो दिनों तो पै रही बरसात तो बाद एक वड्डा हादसा जिहड़ा तुहानू दिखा दिंदे आ सामने आया। तस्वीर तुसीं देख सकदे हो बैरीगेट दे नेड़े दीआं ने जिथे कि एक बिल्डिंग की दीवार जिहड़ी आ ओह डिग पई है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और दीवार तुसीं देख सकदे हो कि हालात ने मिट्टी च चिनी हुई इट्टां ने जिहड़े कि बीती रात इत्थे डिग पईआं ने। वड्डा नुकसान होया कारां दा, क्योंकि करीब करीब पंज कारां जिहड़ियां ने ओह मलबे हेठां आ के नुकसानियां गईआं ने। तस्वीरां तुहानू दिखा दिंदे आ कि हालात ने, ये तुसीं देख सकते हो कि मलबा जिहड़ा कारां दे उपर डिगा है ते इन्हां कारां दा की हाल जिहड़ा तुसीं देख सकते हो होया, क्योंकि बरसात करके ये जिहड़ी बिल्डिंग है इसकी कंध जिहड़ी है वह बीती रात डिग पई है। कारां दा एक गैराज दस्सिया जा रहा है, प्राइवेट गैराज दस्सिया जा रहा है, जिथे कि लोग अपनियां कारां जिहड़ियां ने खड़ियां करते हैं। गनीमत यही कही जा सकती है, कोई जानी नुकसान जिहड़ा वह नहीं होया। तो गलबात भी जरूर करांगे लोगों नाल जिहड़े कि इत्थे अपनियां कारां दी जिहड़ी वह पार्किंग करते हैं, क्योंकि जानी नुकसान तो नहीं होया पर माली नुकसान तो जिहड़ा काफ़ी जिहड़ा वह होया, क्योंकि होर भी इत्थे खदशा है। ये बिल्डिंग की कंध जिहड़ी होर भी ज़्यादा वो डिगण की कगार ते पहुंची हुई है, तो इस करके सानू लोगों को यही अपील है भी इत्थों थोड़ा जिहा दूरी बना के रखी जाए। और जितों तक गल इस बाज़ार की है तो बैरिकेडिंग की गई है इत्थे ता जो लोग इत्थों जिहड़ा दूरों ही लंघन, क्योंकि बीती रात जदों ये बाहर बिल्डिंग की कंध जिहड़ी डिगी सीगी तो दो जिहड़े एक्टिवा सवार वो उन्हां दा बचा जिहड़ा कि मसा होया सीगा। ते गलबात भी कर लैंदे आ जो गड्डी दे मालक ने, क्योंकि काफ़ी सालों तो जिहड़ियां गड्डियां इत्थे पार्क करते हैं। भाजी की नाम है तुहाडा? साहिल महाजन जी। भाई जी किन्ने साल हो गए तुहानू गड्डी पार्क करदे इत्थे? भाजी इत्थे सानू पार्क करदे घट्टो घट्ट 7-8 साल हो गए गड्डी पार्क करदे। राती की होया, किन्ने बजे की घटना? भाई है 8:30 बजे की घटना हैगी है, 8:30 बजे सानू कोल ही आई है, नाल है भाई होरां दी भी गड्डी लगती है कि बिल्डिंग की दीवार डिग पई तो साडियां गड्डियां का काफ़ी नुकसान होया। आ के देखिया तो सारी वो कंध डिग पई हुई है, गड्डियां बिल्कुल ही कंडम हो गई साडियां। अज तो 5-6 महीने पहले जनवरी च भी एक गड्डी इस तरह ही टुटी सी, तो डॉक्टर साहब नू रिक्वेस्ट की थी कि कंध सही कराओ, कहिंदे करवा देंगे, पर है कि बिल्डिंग डॉक्टर जेश अरोड़ा है ने चिट्टे कटरे के बीच। हाँ जी उन्होंने बिल्डिंग हैगी है जी। उन्होंने मुलाकात की थी पहले भी ये हालत खराब है? सारे ने कहा ही, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वो कहते कोई नहीं करवा दें, पर कोई मसला नहीं हल किया, तो कोई मसला नहीं हल होया। तो कल तो इन्ना माड़ा हाल होया, तो जे कि दोपहर में डिगदी तो जानी भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। जानी नुकसान क्यों हो सकता है इतने दोपहर डिगदी से? क्योंकि स्कूल है जी बिल्कुल नाल, इतने बच्चे नंगदे नुंगदे नंगदे इतने रश लगा ही रहा। हूँ एक घंटे बाद देखना इतने छुट्टी होनी तो कि रश पै जाना। सीसीटीवी भी दिखा रहे थे कोई? सीसीटीवी भी आई है? हाँ जी आई है जी। और आंदा पाया जी, आऊँ कंध डिगदी तो सीधा एक साइकिल वाला मसा ही बचा आया, जे कि बेचारा एक मिनट पहले आता तो वह बहुत ही उन्होंने महाराज ने हाथ रख के बचाया जी। हाँ जी एक्टिवा वाला भी नंगा और भी बहुत बचा होया, कोई नहीं होया, बस गड्डिया के कंडम ही हो गई ना, बहुत नुकसान होया। साढ़े 8 बजे की घटना है, गड्डी कल कड़ी सी पार्किंग? कल मैं कड़ी ही, कल 6 बजे लगा के गया। ए महाराज का शुक्र है कि उस कुछ नहीं आया, नहीं तो की पता की होना ही जी। कंप्लेंट की है जी? तक कोई मसला नहीं साड़ा हल हो रहा, हल होने की आप यही कहने कि जो साड़ा नुकसान होया भरिया जाए, साड़ा कोई किसी ना झगड़ा थोड़ा है वै, अही किराया कादे लई देईदा, रेंट कादे लई देईदा, गड्डी का रेंट ऐसे लई देईदा साडी गड्डी सेफ रहे। अही 1200 रुपया महीना देने, 3 महीने का 3600 रुपया। पर तुम कह रहे हो पिछले 3-4 महीने पहले भी यही हालात थे, फिर तुम गड्डी इतने लानी नहीं चाहिए, तुम्हें पता जो दीवार खराब हैगी गड्डी करवा दें जी, बस वो पैदा नहीं ना ही है, तो कल सारी डिग पई और एक अद्धी इट डिगी ही, तो इन्ना नॉलेज नहीं है, जो पता हों तो अं चुक ही लेंगे इतों गड्डिया। ग्रुप बनाया इनफॉर्म किया गया कि आइटन गड्डी के उपर अपने इटा डिगी है, तो उन्होंने शीशे वगैरह टुटे है, तो अपना मैटर लुक आफ्टर किया जाए, बट अनगैली की गड्डिया इतने लगदिया ने प्राइवेट? 7 गड्डिया लगदिया, जिन्होंने 4 गड्डिया का उन्होंने एक गड्डी मेरी भी है, जिन्हों का बहुत ज्यादा नुकसान होया। हाँ जी हाँ जी, थोड़ी गड्डी की कोई इंश्योरेंस भी होएगी, कोई क्लेम कर? बिल्कुल इंश्योरेंस हैगी है जी, मैं पता किया, पर इंश्योरेंस के उन्ने पैसे तो नहीं मिलते कवर होने,
जिनी साडी इंश्योरेंस है तो असं यही चाहते हैं कि जो सू कंपनसेशन दी जाए कंपनसेशन वैसे डॉक्टर ने गल हुई वो डॉक्टर साहब आए थे पर कहते जी मैं की कर सकता वा तो कुदरती गल है अपना मेरा ये कोई रोल नहीं गा पवन काइट्स अंकल जी महल प्रधान ने घटो घट 100 वारी कह चुका कि इतने कंध अपना इटां डिग दियाँ बिल्कुल नाल स्कूल है बच्चे निकलते हैं कोई कल बच्चों कोई सट पेड़ लग जाए कोई जानी नुकसान हो जाए कहिंदे मैनू यह कहा गया कि यह पवन गुड्डियाला तो पागल हैगा की चाहते कंप्लेन दी है जो नुकसान तुहाडा होया उसके बारे कंप्लेन असं यही चाहते हैं जी जो सा नुकसान है उसकी भरपाई की जाए और डॉक्टर साहब ने वैसे तो अदरवाइज बहुत वधिया रिलेशन ने डॉक्टर साहब बड़े जेंटल आदमी ने पर जो सा नुकसान है उन्होंने जो असं पे करते हैं तो उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी बनती है सू कंपनसेशन देन गड्डी क्लेम मिल जाएगा इंश्योरेंस है नहीं गड्डी की इंश्योरेंस नहीं है मेरी ਕਿੰਨਾ ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ 2008 ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਡਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਵੀ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਦੇ ਲਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਗੱਡੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦਾ 1200 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਦੇਈਦਾ 3600 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਰੇਜ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਨੀਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਲਬੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ अमित मल्होत्रा है मैं कोले दे नाल दा मकान मेरा है ते काफ़ी देर तो है जिहड़ा इट्टा वगैरह डिगदियां सी मैं इन्हां नूं कहा भी सीगा कि गड्डी वगैरह लगांदे आ इन्हां ने डॉक्टर साहब नाल गल भी कीती सी पर सुनवाई उन्हां दी कोई नहीं हो पाई फिर नाल दी साडे कान सांझी जी जदों मकान ढांदे पए सी मैं इन्हां नूं तद भी रोकिया सी कि पुराने मकान हैगे आ ना ढाओ नुकसान हो सकदा है साडी सुनी नहीं इन्हां ने मकान ढाता उस तों बाद साडी आ सारी दी सारी दीवार डिग पई उदों भी बहुत साडा नुकसान होया साडी गड्डी भी सारी क्रश हो गई तो नुकसान तो है ही है लेकिन किसी सुनवाई नहीं हो पा रही मतलब तो कल रात में तुम देखो कि बहुत ज़्यादा नुकसान होया जी सारी गड्डियाँ सी अंदर टोटली टोटल लॉस चली गई हैं 5-7 गड्डिया सगिया हाँ बिल्डिंग का तुम दिखा सकते हो देखो सारा सारा नुकसान उपर सारा शो कर देगा साडा लेंटर वगैरह भी उदो डिग पिया सीगा तो नुकसान तो है लेकिन सुनवाई कोई नहीं गई सर बिल्डिंग तो काफ़ी साल हो गए ढाया लेकिन उस तो बाद ने प्लस्तर नहीं कराया दीवार को जिदे कारण इट्टा डिगदी रही पुराने मकान दियाँ उस तो बाद नुकसान तो काफ़ी होया लोगों का जो कि देख ही रहे हो तुम बाहर भी गड्डिया खड़िया सी सड़क पर भी जान जान का नुकसान हो सकता सी लेकिन भगवान की मेरा बचाव हो गया लेकिन जो है फिर सुनवाई कोई नहीं किस चीज़ की तो जिस बिल्डिंग का मलबा डिग्या है उस बिल्डिंग के मालक डॉक्टर राजेश अरोड़ा सर मौजूद ने उन्होंने भी गलबात कर लेने भी उन्होंने इस बारे की आखना सर की कहोगे किन्ने साल तो गड्डियां लग रही ने इत्थे और जिहड़ा डैमेज होया लोगों का वो कहिंदे भी साडा नुकसान की भरपाई होनी चाहिए गड्डियां 6-7 सालों तो लगा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट लगा रहे हैं उहदे को अपनी ही चाबियां रूटीन दे विच हैगियां सारियां को अपनी अपनी इंडिपेंडेंट चाबी है मेरा कोई लेना देना नहीं मैं उत्थे आंदा जांदा नहीं हाँ तो जे वो नैचुरल इंसीडेंट होया बरसात दे नाल जिहड़ी हैगी है
बरसात के नाल कंध जी है वह डिग पई है वह मैं सिंपथी हैगी है जैसे नाल पर मेरा तो कोई वास्ता नहीं वह कह मतलब हूँ जी डिग पई जो उन्होंने पता ही सी डिगनी है छत के कह मतलब उपरों तो फिर उन्होंने भी चाहिए सी गड्डी ना लगाना ना वो पता बरसात के नाल कंध डिगनी है ना वो ने मैनू उधर रूटीन के कोई दसिया ना कोई गल ना बात पर कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं कहते डॉक्टर साहब 8-10 साल तो हो गए किराया तो ले दे रहे ना जी गल नहीं समझे किराया लै रहे हैं रूटीन के जे असी लै रहे हैं तो उन्होंने सानू कोई पक्ष दसते कह मतलब उधरों की छत कंध डिगन वाली है तो असी कोई कर दे हूँ यह तो नैचुरल इंसीडेंट है नैचुरल इंसीडेंट्स किसी नाल भी हो सकता है इन्ना शुक्र है कि किसी की जान माल का बचाव हो गया कह मतलब होर असी बड़ी सिंपथी है सानू उन्होंने नाल उन्होंने यही आखना पिछले 20 महीने कुछ मलबा डिगा से डॉक्टर साहब को अप्रोच की थी भी डॉक्टर साहब यदि रिपेयर होने वाली कंध की वो करवा दो नहीं सैनू किसी ने नहीं अप्रोच किया जी नहीं किसी ने अप्रोच नहीं किया जी है उन्होंने कंप्लेट भी की हुई थाने कहते भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी तो फिर पुलिस जो कार्रवाई करे चल जो होगा देखा जाएगा फिर इन्हें डॉक्टर राजेश अरोड़ा जिन्होंने अपना पक्ष पूरन की जी कोशिश की तुम दस दिए बीके गेट के कोल एक बिल्डिंग है जो कि डॉक्टर राजेश अरोड़ा की है जिते कि लोग प्राइवेट कार पार्किंग कारा अपन पार्क करते हैं जिड़ी कि बीते कल जी रात को डिगी है क्योंकि 2 दिन लगातार अमृतसर बरसात हुई है जिस करके जी कंध जी है उसका मलबा डिगा है कुछ मलबा जोड़ा वो बाजार से डिगा है तो कुछ मलबा अंदर जीडिया कारा खड़िया सगिया पार्क हुई सगिया उन्होंने डिगा है तो वो लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं जबकि दूजे पास डॉक्टर राजेश अरोड़ा का आखना भी कुदरत से किसी का भी जोर नहीं है वो मुआवजा राशि किस करके और क्यों देन तो पुलिस थाना डी डिवीजन के सब इंस्पैक्टर सलविंदर सिंह साडे नाल मौजूद ने उन्होंने भी गलबात कर लैंदे आ भाजी जी इतने कंध डिगी है कुछ मलबा डिगा बाहर तो अंदर भी डिगा बिल्डिंग का वो तुहाडे को दरखास्त आई है। हाँ जी हाँ जी वो ना कल बीके दत्त गेट के अंदर पार्किंग आ कार पार्किंग उत्थे कंध डिगी आ कुछ कंध बाहर डिगी आ थोड़ी जी अंदर डिगी आ अंदर कार पार्किंग उत्थे गड्डियां खलोतियां सी 5-6 गड्डियां दे उत्ते कंध डिगी आ उन्हां दा नुकसान होया वा उहदी जांच चल रही आ जो भी जांच होएगी मुताबिक बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग है कि नहीं सर ये डॉक्टर राजेश अरोड़ा की बिल्डिंग आखन जी। हाँ जी तो कुछ हूँ तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की गई डिगी किस तरह कंध की कारण रहे ये हो सकता बरसात का करके 2-3 दिन बरसात पैंदी रही है उसके कारण करके डिगी होगी बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा उसके सामने कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी उत्तर रही है बाजार काफ़ी ज़्यादा वगमा बाजार है तो क्या हूँ उ कोई सिक्योरिटी मेजर ले गए? हाँ जी उत्थे कोई गल नहीं हुण अपने मुलाजम भेजे ने वो दे इन्वेस्टिगेशन करन कोई जो भी होएगा उस हिसाब नाल कानूनी कार्रवाई की जाऊगी। बिल्कुल जी ये सब इंस्पैक्टर सलविंदर सिंह जिन्होंने दस्या भी जिन्हें कारां डैमेज हुई ने उन्हां मालकां वल्लों पुलिस थाना डी डिवीजन नूं एक शिकायत दी गई है दरखास्त दी गई है तो दरखास्त की जांच जिहड़ी की जा रही है और इन्हां वल्लों यही आख्या जा रहा भी जो भी जांच तो बाद तत्थ सामने आएंगे उन्हां दे आधार ते ही जिहड़ी बनदी कार्रवाई अमल में ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਵਾਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਿਤਾ ਕਰਾਇਆ ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज नूं लैके कोई भी काम नहीं बन रहा सी बहुत जगह ते धक्के खाए फिर बाद विच मैनूं किसी ने मियां मुराद जी अली बारे दस्सिया ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हाँ। कारोबार एकदम ठप हो गया सी असीं बड़े औखे हो गए फिर सानू किसी ने मियां मोहम्मद अली जी बारे दस्सिया उन्हां ने साडी साडी समस्या दा चंगी तरह जुड़ो निपटारा कर दिता हुण असीं बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 18786 97797 24075।